खानदान के गुलाम है, तू दो खानदानों के गुलाम है, सब सुने ना, तो दो खानदानों के गुलाम है। मारो बेटा, मार दो बेटा, मारो बेटा, मुझे मारो गोली, मुझे मारो गोली, मैं खाता हूँ ना, नहीं मारो गोली बेटा, मैं खाता हूँ, मैं गोली खाने के लिए आया हूँ, मैं गोली खाने के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं एक बुजुर्ग हैं, वो इतनी फोर्स के दरमियान वो कह रहे हैं जी मुझे गोली मारो, और उसको पुलिस जो है वो साइड पे ले गई है। बुजुर्ग हैं फैसल करीम कुंडी, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर जो है वो ख़ुद छुपे हुए हैं। जब उनसे कहा गया कि एजाज सैयद की ख़बर है कि अली मीन गंडापुर एक एजेंसी के मेस में है, और मुनीर फारूक भी यही कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मेरी अप्रोच नहीं है, जहाँ तक उनकी अप्रोच है वहाँ तक मेरी अप्रोच नहीं है। यानी कि फैसल करीम कुंडी मान गए हैं कि उनकी जो खबर है कि अली मीन गंडापुर ख़ुद छुपे हुए हैं वो कन्फर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कह दिया कि जहाँ तक साफियों की अप्रोच है, एजाज सैयद की अप्रोच है, वहाँ तक मेरी अप्रोच नहीं। इस वक्त डी चौक के लाइव मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पुलिस एहलकार जमा हैं। डी चौक खाली करा दिया गया है कारकुनान से, और एक जो बुज़ुर्ग थे वो अभी यहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने आपने देखा कि जो गुफ्तगू की वो आपने सुनी। फ़ौज तैनात है यहाँ से F-10 तक, रेंजर्स एहलकार जगह जगह तैनात हैं, और पूरे इस्लामाबाद में जगह जगह पर फ़ौज के एहलकार भी, जो फ़ौज के सिपाही हैं वो भी जगह जगह मौजूद हैं। ये इस वक्त डी चौक के आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बताया कि जो अली मीन गंडापुर हैं वो ख़ुद छुपे हुए हैं। ये आपको लाइव मनाजर हम दिखा रहे हैं डी चौक के, और डी चौक से इस वक्त तकरीबन तमाम जो कारकुनान हैं उनको पीछे धकेल दिया गया है। अब्दुल वहीद डोगर जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं, 3 दिन से कवर कर रहे हैं। सर थोड़ा सा बताइएगा कि क्या सिचुएशन देखी आपने, पिछले 2 दिन तो हम अपडेट करते रहे लोगों को, आज की क्या सूरत हाल है, कोई कारकुनान हैं या क्लियर कर दिए गए इस्लामाबाद? अभी बाजार जो दिखाई दे रहा है कि जिस तरह हमने देखा कि रात तकरीबन ये 3, 3:30, 4 बजे तक, क्योंकि सुबह तक कह सकते हैं आपके, यहाँ पर चाना चौक के करीब PTI के कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख में चोली जारी रही। मतलब अब मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो PTI के कारकुन, जो मैंने कल उनका जुनूनी कारकुन का जज्बा देखा, वो अभी वो वार्म अप होने गए, मतलब फ्रेश होने का अभी उनका ये टाइम। अच्छा, अभी मतलब मामला ख़त्म नहीं हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि मामला भी खत्म, और ऑफिशियली भी अभी कोई PTI की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई कि क्या पोजीशन है इसका, अब PTI वाले बता सकते हैं, मैंने वो देखा नहीं है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल फ़ोन की सर्विस बंद है यहाँ पे, और दूसरा मेरे ख्याल से अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ कि धरना ख़त्म किया गया है रैली, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा प्लान बी भी है। अभी तो देखें ना, उनका वो वज़ीर आला नहीं मिल रहा है यार, तो उसके बारे में भी काफ़ी सारी अब क्या सराइयाँ जारी है, तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ ना, इस पर PTI को एक वाजिया अपना मौक़ सामने आके देना चाहिए। टाइम गुजर गया तकरीबन, देखें कल से अभी तक तकरीबन कोई 18 घंटे गुजर चुके हैं, वज़ीर आला गायब है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहाँ पे है, इनका क्या लाया अमल है, अभी तक बिल्कुल नाकाम नज़र आई है PTI। नहीं बिल्कुल, देखें ये बात ठीक है आपकी, मैं जब ये कल ये सारा वाक़या हुआ ना उस्मान साहब, तो मेरा ख्याल है कि ये अब जो PTI है उसको, उनका जो करदार है वो वज़ीर आला का, वो नहायत ही मशकूक हो गया है। मतलब देखें, आप एक रैली लेकर निकले हैं और पब्लिक आपके साथ है, और पब्लिक को आप इस तरह बीच चौराहे छोड़ कर जा रहे हैं, अगर आपके साथ किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो भाई, माजी में हमने देखा कि यहाँ पर CD चौक में अलामा ताहरुल कादरी साहब भी तशरीफ़ लाए, और उनके साथ जिन लोगों ने मुज़ाकरात करना थे वो उनके पास चलकर आते थे। तो ठीक है, अगर किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की जानिब से या सियासी तौर पर उनसे रबता नहीं किया गया, या फिर अला सतही यानी कि कौमी सलामती के इदारों की जानिब से अगर उनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, कि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं कि उनको वहाँ से पेशावर मोड़ से
मुज़ाकरात के लिए के पी हाउस बुलाया गया, वो चाइना चौक भी आए और यहाँ से वो अंडर पास क्रॉस करके वहाँ पहुँचे। तो रियासत के तावन के बगैर उनका वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं था। इजाज़ सैयद साहब की खबर है कि वो एक एजेंसी के मैस में है, मुनीर फारूक भी ये कह रहे हैं, लेकिन फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर हैं वो ये कह रहे हैं कि अलीमीन गंडापुर खुद छुपा हुआ है। सर जी बात पता क्या है, जो जिस जर्नलिस्ट की आपने बात की वो आप उनको मुझसे बेहतर जानते हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर। जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो उनकी अप्रोच है, अच्छा एक एजेंडा दिया जाता है उनको, एक मतलब चीज भी दी जाती है, ठीक है, उन्होंने उसको लेकर चलना होता है, ठीक है, एक मखसूस मीडिया हाउस का एजेंडा आप बेहतर समझते हैं। तो उनकी बात पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो इन्होंने कहा है कि जाहिर है आपको पता है कि इनको यहाँ बुलाया गया है और गवर्नर हैं वहाँ के, तो लेकिन जो इन्होंने बातें की हैं वो भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अभी तक जो पीटीआई वाले हैं उनका वाजिया कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट को मौक़ सामने नहीं आया, मतलब उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वज़ीर-ए-आला के वो भी खामोश हैं, और मुल्की सतह पर उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कम से कम असम्बली का इजलास बुलाकर वहाँ चीज़ों को जरा। असम्बली का इजलास मेरे ख्याल से आज बुलाया, लेकिन एमपीए तो वो उनके मुताबिक सारे इधर हैं, तो आधे फिर उधर जाएंगे। भाईजान आप कल से कवर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नींद भी आपकी पूरी नहीं हुई। जी बिल्कुल, कल रात से मुसलसल आप कवर कर रहे हैं, जब बारिश हुई और शैलिंग हुई उस वक्त आप यहाँ पे मौजूद थे। अभी कारकुनान कहाँ पे हैं, कोई नज़र आ रहे हैं कारकुनान? देखिए जब रात को यहाँ पर डी चौक पर कारकुनान पहुँचे थे, काफ़ी तादाद थी उनकी, बहुत ज़्यादा तादाद थी कि अब पुलिस के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा इनके एफ सी के एहलकार भी थे और जो रेंजर्स थी पाक वो भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस इस्लामाबाद पुलिस जो है पहले फ्रंट फुट पर थी, और जब शेलिंग की जब कारकुनान जो मौसम जब चेंज हुआ ना तो हवा का रुख बदला, तो कारकुनान जारी बात उनको प्लस पॉइंट मिला, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया तो वो डी चौक पहुँचे। तब तक पुलिस और दीगर जो यहाँ पर कानून नाफिज करने दायरे थे वो इस कंटेनर्स की बैक साइड पर जा चुके थे अपने आप को बचाने के लिए। फिर ये जो कंटेनर थे अभी जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर खड़े थे, इसी दौरान यहाँ पर खड़े थे, यहाँ से फौज भी उस वक्त खड़ी थी यहाँ पर। जी जी, जो रेंजर्स थी वो भी यहाँ पर जो है वो रेंजर्स मौजूद थी, अभी इसी सिचुएशन में थे जब यहाँ से पथराव किया गया था, वो वहाँ से भी उतर गए थे। अच्छा, आगे चले गए थे, आगे नीचे उतर गए थे। तो हुआ यूँ कि बारिश बहुत तेज़ थी, मैं बीच में ही था वहाँ, जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, तो बहुत तेज़ बारिश की वजह से कारकुनान जो है वो जो दुकानों की तरफ मार्केटों की तरफ जान सकता है सेफ्टी के लिए, बारिश से बचने के लिए वहाँ पर गए। कुछ टाइम बाद बारिश रुकी तो यहाँ से रेंजर्स का एक जो दस्ता कह लें वो निकला है, एक दस्ता पूरा जो है वो यहाँ से निकला, जिसने फौरन कार्रवाई की, जिसकी वजह से वो कारकुनान जो है अग्रेसिव कार्रवाई थी बहुत, मैं कहता हूँ इनको भगाने के लिए रेंजर्स का मैंने खुद मतलब आप कह रहे तशद्दुद लाठीचार्ज हुआ। जाहिर है जो हाथ में जो पकड़ा गया उसकी तो फिर खैर नहीं हुई है। अच्छा। जिस तरह रेंजर्स पकड़ के लाई गाड़ियाँ भी तोड़ी हैं रेंजर्स, गाड़ियाँ जिस तरह तशद्दुद किया गया यहाँ गिरफ्तार करके प्रॉपर लाया गया रेंजर्स ने, उसके बाद एफसी के एहलकारों ने भी यहाँ पर किया। रात को ऑपरेशन किया गया, एसएसपी जो ऑपरेशन है यहाँ पर अरसलान शाहजेब साहब उनकी निगरानी में उन्होंने एक टीम तश्कील दी यहाँ पर, वो रात के ऑपरेशन किया उन्होंने, और जहाँ पॉइंट्स हैं होटल की चेकिंग करके तकरीबन बताया जा रहा है 17 के करीब जो लोग हैं इन्होंने गिरफ्तार किए। इसके अलावा मोटर बाइक्स के वो बरामद किए हैं, मोटर बाइक पर जो सवार थे उन्हें भी लेके जो है रात को यहाँ से काफ़ी तादाद में पुलिस। अभी क्या आपकी खबर है, कारकुनान है इस्लामाबाद में मौजूद या खत्म मौजूद हैं? अभी भी सेक्टर्स के अंदर मौजूद है, जितना सेक्टर्स में मौजूद हैं, लेकिन मुंतशिर हैं, ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, ओपन हो गए हैं और अब उनके लिए आसानी होगी, अब रابطہ बहाल हो चुका है। अब मुझे शक है कि वो शाम तक दोबारा जो है वो जमा हो सकते हैं यहाँ डीचो। प्लान भी पीटीआई ने दे दिया। बहरहाल ये इस वक्त डीचो के मनाजर हैं, आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। आप देख सकते हैं फौज जो है पूरे शहर में जगह जगह इस वक्त मौजूद है, हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद हैं। मेरे ख्याल से सारे शहर की जो पुलिस है वो यहीं पर इकट्ठी कर ली गई है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।